चाट तो हम सभी को बहुत पसंद है, आज आप सभी के लिए इजीली और इंस्टेंट बनने वाली आलू टिक्की चाट की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए आलू टिक्की चाट की रेसिपी लाई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर के इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं। ये घर में रहने वाले इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमें हमने लिया है 2 उबले हुए आलू, हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता, अनार के दाने और मीठी दही। आलू को हम हाथों से मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे हाथों से मिला लेंगे। ये देखिए, आलू को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। आलू के हम छोटे छोटे टिक्की बना लेंगे। आप इस तरह हाथों पे ले, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरह प्रेस करके टिक्की का शेप दे दें। ये देखिए हमारा टिक्की बन के तैयार है, हम इसे साइड में रखेंगे। इसी तरह हम दूसरा टिक्की भी बना लेंगे। इस तरह हाथों में राउंड करें और इसे टिक्की का शेप दें। इसी तरह हम सभी टिक्कियों को बना लेंगे। इसी तरह हमने सारे टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। एक फ्राई पैन लेंगे। यहाँ मैंने नॉनस्टिक लेयर का पैन लिया है। गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। टिक्की को हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन हमारा गरम हो गया, हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरह स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। हम इसमें अब टिक्की डाल करके इसे सेक लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें एक टिक्की डाल दिया है। इसी तरह हम सभी टिक्कियों को ऑयल में डालकर सेक लेंगे। टिक्की को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। एक मिनट हो गया है, हम इसे पलट देंगे। ये टिक्की सिक गया है। इसी तरह हम सभी टिक्कियों को पलट देंगे। टिक्की को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम टिक्की में नाइस गोल्डन कलर आ गया है। हमें इसे इतना ही सेकना है। टिक्की हमारा बन गया, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। टिक्की को हम 5 मिनट ठंडा होने देंगे। टिक्की हमारा बन गया है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह हम सभी टिक्कियों को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सभी टिक्की को प्लेट में सर्व कर लिया है। हम इसका चाट बनाएंगे।
चाट बनाने के लिए हम आलू की टिक्की पे दही ऐड करेंगे। ये देखिए, आप भी इसी तरह अपने घर में कभी भी इस तरह के आलू टिक्की चाट आसानी से बना सकते हैं। हमने इस पर दही डाल दिया है, हम इस पे इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। ये चटनी हमने घर में बनाया है, मैं जल्द ही आप लोगों के साथ चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। हम इस पे हरी चटनी डालेंगे। हम इस पर कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ता ऐड करेंगे, पे काला नमक डालेंगे। काला नमक ऐड करने से हमारे आलू टिक्की चाट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जीरा पाउडर ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करने से चाट का फ्लेवर बढ़ जाता है। हम इस पर चाट मसाला ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अनार के दाने ऐड करेंगे, और लास्ट में हम इस पर बेसन भुजिया ऐड करेंगे, या फिर हम जिसे नमकीन कहते हैं हम इस पर ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा आलू टिक्की चाट बनके तैयार है। आप भी इसे इसी तरह अपने घर में बनाएं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।